Hey guys, welcome back to my channel and happy Independence Day. तो आज हम लोग बनाने वाले हैं दो ड्राइंग, एक आजादी का अमृत महोत्सव एंड सेकेंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आजादी का अमृत महोत्सव से। मैंने यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर दिया था, तो मैं भी इससे करी हूँ स्केच से। बाकी इसमें आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो अपने हिसाब से। मैंने ये जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने करा, आप लोग अपने दिमाग से भी कर सकते हो। एंड ये जो आपको क्लच दिख रहा है वो मेरा ही कपड़ा। एंड गाइस इट इज कंप्लीट, सो लेट अस कलर। फर्स्ट आई विल टेक दिस ऑरेंज कलर। मैं पहले ऑरेंज कलर लेके 7 को कंप्लीट करूंगी। एंड अब मैं ये 5 को कंप्लीट करूंगी। आपको कुछ उसके अंदर भी कुछ डालना है उसमें। मैं देखूंगी ताजमहल के ऊपर वाले फ्लैग को एंड देन और चीज़ों को कलर कर दूंगी। छोटे छोटे चीज़ें हैं उन सबको मैं स्केच से करूँगी और जो बड़े बड़े हैं उन सबको मैं पेंसिल कलर से कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें पेस्टल कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंस डे वाले में हम लोग यूज़ करेंगे। एंड इसी वीडियो में आपको दोनों बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। ताजमहल को पूरा कंप्लीट कर दिया, इसको पूरा कलर कर दिया, बस इसका गेट रह गया दो गया। एंड देन लेट अस कलर दिस डब बर्ड्स। ओके सो आई एम कलरिंग इट एंड सॉरी ये कलर सॉरी कलर मेरा कपड़ा दिख रहा है। या सो गाइस It's done and now let us color this rainbow. और हम लोग कलर करते हैं रेनबो को। पहले हम लोग ऊपर की तरफ ऑरेंज कर लेंगे एंड देन नीचे की तरफ हम लोग करेंगे ग्रीन, बीच का हम लोग ग्रीन कर देंगे, सॉरी वाइट। वाइट तो वैसे ही है, नॉर्मली पेपर है हमारा वाइट कलर। एंड देन ये जो आपको 75 के साइड में जो दिख रहा है इसमें भी हम लोग कलर कर देंगे। ओके सो जस्ट लाइक दिस। एंड देन हम लोग करेंगे लाइट ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन नहीं करना है, हमारे फ्लैग में तो ये कलर होता नहीं है। ओके अभी ये मैंने कर लिया है। एंड अभी जो है हम लोग यहाँ पे चक्रा बना लेते हैं। मैंने 75 के अंदर भी आपको चक्रा बनाना है, अच्छा लगे ताकि खाली खाली से लगे ना। दोनों साइड में एक चक्रा बना देना है एंड 75 के नीचे जो लिखा है ना ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसमें आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देना है ब्लू ऑरेंज एंड ग्रीन कलर से। और मैं रेनबो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, थोड़ा सा लाइट टाइट हो गया, मैं बाद में से बात कर दूँगी। चलो छोड़ो। एंड अभी थोड़ा सा क्लाउड में भी फिलिंग कर देते हैं। एंड अभी मैं थोड़ा सा क्लाउड में भी करूँगी। अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़े से फ्लावर में भी कर लेते हैं। एकदम लास्ट कॉर्नर में दिख रहा है, इसको भी मेरा कोई दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन मैंने
ब्राउन कलर कर रही हूँ क्योंकि बहुत आज मैं इसमें ऑरेंज ब्लू ग्रीन कर रही हूँ क्योंकि मेरा का पूरा शीट वैसे हो जाएगा ऑरेंज ब्लू ग्रीन वाला। तो मैंने सोचा कोई दूसरा कलर से कर लूँ तो अच्छा लगेगा एंड अभी मैं बस वही सोच रही थी। मुझे अभी ये कुछ कलर मिले हैं, मैं इन सब का एक पैटर्न बना के मैं इन सबको कलर फिट कर लूँगी। तो फिर गाइस, तो इसमें आपको पैटर्न बनाना है, लास्ट में आपको ऑरेंज करना, फिर दो छोड़ के फिर ऑरेंज, फिर दो छोड़ के फिर ऑरेंज। ओके, तो अभी ये ख़त्म हो रहा है मेरा, मैं आपको दूसरा पैटर्न बनाती हूँ, उसके बाद क्या करना है आपको। मेरा ऑरेंज कंप्लीट हो चुका, बस थोड़ी थोड़ी जगह गलती हो गई है। ऑरेंज के ऊपर ऊपर हमें करना है ग्रीन एंड जो वाइट है उसको छोड़ देना है, हमें उसमें कोई कलर नहीं करना। मेरा गलती हो गई इसलिए मैंने सोच लिया। सो अभी ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग करते हैं इसके अंदर वाला फ्लावर को। तो मैंने ये पूरा कर लिया, बस इसमें फ्लावर में ब्लू एंड येलो कलर करा एंड लाइट पिंक करा। तो अभी हम लोग ऊपर साइड में येलो कलर करे, आप चाहे तो लाइट ब्लू कलर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने येलो कर दिया क्योंकि पूरा जगह ब्लू है ना इसलिए मैंने भी कर दिया। एंड गाइस, ये बस हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, बस और थोड़ा सा। एंड अभी ये जगह में हम लोग पर्पल कर लेते हैं, इतना डार्क नहीं करेंगे, हल्के से करेंगे हम लोग। एंड ये कंप्लीट हो चुका है। सी गाइस, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। एंड अभी शुरू करते हैं इंडिपेंडेंस डे का। तो इसके लिए पहले आपको कुछ ऐसे धब्बा बनाना है, जैसे कोई कलर गिरा है इसमें या फिर फटा हुआ कुछ, एक पेपर चिपका हुआ है इसमें, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगी पेस्टल कलर्स। तो आप देख सकते हो कि मैंने वो धब्बा कैसे बनाया। अभी आप लोग इसका टाइम लैप्स देखो। मैंने ये जो ऊपर वाले को ग्रीन और सॉरी ऑरेंज किया है एंड नीचे वाले को कुछ ऐसे ग्रीन किया है। मैंने इन दोनों को कलर कर दिया एकदम ठीक से, कलर नहीं करना है क्योंकि इसको हम लोग को ब्लेंड भी करना है। आप चाहे तो क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ या फिर ईयरबर्ड या कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ईयरबर्ड यूज़ करा। तो मैंने ऑरेंज ब्लेंड कर दिया, अब हम लोग बस ग्रीन कर लेते हैं एंड नीचे का भी आपको थोड़ा बहुत ब्लेंड कर देना है, देखिए कुछ ऐसे। एंड देन ये जो खाली खाली सा लग रहा है इसमें भी हमें कुछ करना है, तो मैं ये ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक कलर को जिसमें जो मैंने ऑयल पेस्टर यूज़ करा है, इसमें आप लोग वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो, ये देखिए कुछ ऐसे। एंड ये हमारा तिरंगे का धब्बा भी कंप्लीट हो चुका है। एंड ये भी मैं बना रही हूँ आदमी, दो तीन आदमी बना रही हूँ मैं, जो लोग जो झंडा पकड़ के दौड़ रहे हैं। मेरे दिमाग में कुछ आया है कि सोच रहा था लेकिन मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो बहुत हार्ड है, ये देखिए। अभी मैं और तो बच्चे भी बना देती हूँ। मैंने अभी इसे कंप्लीट कर लिया, मैं ब्लैक कलर से कलर कर दूंगी वाटर कलर से। इसका हमें पूरा करना है, हमें फ्लैग को भी
ये लड़की का थोड़ा पैर गायब हो गया। चलो छोड़े तो बात को, थोड़ा गलती होता है। एंड मैं यहाँ पे ग्रास को बना देती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ ग्रास को, और भी अच्छे लगे। एंड देन चलो अभी हम लोग लिखेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने इसके लिए ब्लू कलर लिया है, नेवी ब्लू कलर। इसको हम लोग लिख लेते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड सॉरी गाइस, मेरा तो गलती हो गई, मैंने इसमें इंडिपेंडेंस डे लिख दिया, एन की जगह डी लिख दिया। एंड सॉरी, एन की जगह डी नहीं, मतलब यहाँ पे ना मैं एन ही बनाना भूल गई। कितनी अच्छी बात है इंडिपेंडेंस डे का स्पेलिंग मेकअप, इंडिपेंडेंस डे। कोई बात नहीं, आप लोग जो है इसको सही स्पेलिंग लिखते हैं ना, गलती हो गया। मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे, मैंने पता को दिखाया, मुझे कोई भी इसमें गलती नहीं दिखा थी। मैंने कहा कि ये इंडिपेंडेंस डे का स्पेलिंग गलत है। चलो गाइस, हम सब कुछ होते हैं, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। बस मैं अभी थोड़ा सा कर देती हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, बस ये मिला मुझे, मैंने ये कर दिया। बड़े बड़े फुल स्टॉप है। एंड इसमें हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। आपको कैसा लगा जरूर बताना, इंडिपेंडेंस डे वाले में गौर मत करना, बस आप बता देना कैसा लग रहा है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।